हमें तो कहा गया था कि 5 अगस्त और 370 के जाने के बाद तो कोई मिलिटेंट ही नहीं बनेगा, लेकिन आज भी बन रहे हैं, तो फिर ये झूठ किस काम का? इलाकों को हमने अपने दौरे हुकूमत में मिलिटेंसी से खाली कर दिया था, आज वहां फिर से बंदूक का असर है। मैं वजीर आला था, सजाद चिचलू साहब मेरे एमओएस होम थे, हमने श्रीनगर में बंकर के बंकर उड़ा दिए। हम वहां तक, हमें अपने आप को ये लग रहा था कि माहौल ठीक है, हम अफवाह पे बात शुरू करना कर गए थे कि अब इन इलाकों से अफवाह को भी उठाया जा सकता है, क्योंकि अब यहां पे मिलिटेंसी का कोई नामो निशान नहीं रहा। आज देखिए ना, श्रीनगर का कोई कोना जो है वहां अपने आप, वहां कोई इंसान अपने आप को महफूज नहीं समझता, श्रीनगर, बाकी इलाकों की तो दूर की बात है। कुपवाड़ा से लेके टनल तक जिन जिन इलाकों को मिलिटेंसी से खाली किया गया था, वहां दोबारा मिलिटेंसी पैदा हुई। और ये बाहर से मिलिटेंट नहीं आए, ये कश्मीर के ही बने हुए नौजवान जो नाराजगी और अलग अलग वजूहात के बुनियाद पे बंदूक उठाने के लिए तैयार। पिछले दिनों जो श्रीनगर में 3 मारे गए, उनमें से एक ऐसा था जिसने 2019 में बंदूक उठाई, मतलब 5 अगस्त के बाद। तो हमें तो कहा गया था कि 5 अगस्त और 370 के जाने के बाद तो कोई मिलिटेंट ही नहीं बनेगा, लेकिन आज भी बन रहे हैं, तो फिर ये झूठ किस काम का?